असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व विजयदशमी पर विभिन्न स्थानों पर प्रभु श्री राम से जुड़ी कथाओं की लीला की जाती है, जिसके तहत श्री श्री रामलीला कमेटी बटघाट द्वारा 8 दिनों का रामलीला का मंचन किया गया। विजयदशमी के पर्व पर माँ दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही रामलीला कमेटी द्वारा रावण वध का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रामलीला मंचन के कलाकार प्रभु श्री राम द्वारा रावण का सांकेतिक दहन किया गया। बटघाट रामलीला के मैदान में 35 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया था, जिसे श्री राम ने अपने तीर धनुष से उसका दहन कर असत्य पर सत्य की विजय का संकेत दिया। इस दौरान रावण दहन देखने के लिए स्थानीय जनता के साथ हजारों लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री श्री रामलीला कमेटी के महामंत्री अनूप अग्निहोत्री ने कहा, क्योंकि आज तुम्हारा सामना बड़ा कठिन रावण से पाला। आज तेरे लोग का लाघवन राम और रावण के बीच हो रहे अंतिम और निर्धारित युद्ध को देखने वाला है, देखने के लिए लाभायक है। सारा देश सुनवाए हो प्रभु, रावण इस तरह से मरने वाला नहीं है।
सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पूरी तरह से और अलग अलग कट पर ड्यूटी लगाई गई है। आरएफ को भी लगाया जा रहा है इसमें, इसमें हम आरएफ को भी यूज़ कर रहे हैं और जहाँ पे भी जुलूस है वहाँ पे सेक्टर्स में डिवाइड करके सीओज लगाए गए हैं, इंस्पेक्टर लगाए गए हैं और सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। कितनी पुलिस टीम लगाई है? पुलिस की टीम कितना लगाई है? पुलिस की टीम जो है हर जुलूस के साथ एक बीपीओ लगा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जो जहाँ से मूर्ति प्रारंभ हो रही है विसर्जन स्थल वहाँ तक वो सारे देखेगा। विसर्जन स्थल पर सीओ लगाए हैं हम और एडिशनल स्पेक्टर भी उसको देखेंगे। अनूप अग्निहोत्री, महामंत्री रामलीला कमेटी। आज मेरे यहाँ इस साल मेरी रामलीला का 159वां वर्ष है जो हर साल की तरह निरंतर चलता जा रहा है। आज के दिन मेरे यहाँ अरावण वध और रावण वध होता है। रावण वध मेरा पुतला दहन से समाप्त होता है, उसके बाद प्रभु की आरती होती है, उसके बाद प्रभु अपने राजसी वेश में आते हैं, फिर इनकी शोभा यात्रा निकलती है जो यहाँ से चुंगी चौराहा, हाथीपुर, मिलन चौक पे जहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा होती है, जहाँ दुर्गा जी की प्रतिमा दुर्गावाड़ी की होती है और जहाँ मिलन होता है उनका, ये मेरा 169वां वर्ष है और हिंदुस्तान में ये एकलौती परंपरा है जो मेरे यहाँ निर्वाह की जाती है जहाँ राघव और शक्ति का मिलन होता है जो हिंदुस्तान में कहीं दूसरी जगह नहीं होती है। कितनी भीड़ होती है आज के दिन? हम यहाँ पे पहली मेरा मिलन जो होता है वो दुर्गावाड़ी से होता है, उसके बाद में जितनी भी मूर्तियाँ आती हैं सारी मूर्तियों का मिलन होने के बाद में हम लास्ट में वहाँ से चलते हैं। भीड़ कितनी होती है, कितने तक? भीड़ की संख्या का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा, मेरे अंदाज में कम से कम 5,000 लोगों की भीड़ आज होती है।